फर्जी दस्तावेजों से गुजरात दंगों के लिए उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की रची गई थी साजिश। गुजरात एसआईटी की रिपोर्ट में कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ बैठक में तिस्ता से तलवार को 25 लाख रुपए दिए जाने का भी दावा। न्यूज 18 के पास गुजरात एसआईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पटना के फुलवारी शरीफ से गजवाए हिंद से जुड़ा दानिश उर्फ ताहिर गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट जिहाद और भारत के नक्शे पर पाकिस्तानी झंडे से जुड़े दस्तावेज बरामद। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन देके रखा हुआ था। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर। नवसारी में अंबिका नदी के आगोश में समाये कई गांव, तो गिर सोमनाथ के कई गांव हुए जलमग्न। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कोहराम नजर आ रहा है, जल सैलाब सड़कों तक नजर आ रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। 24 घंटे में वर्षा 224 मिलीमीटर पानी। मध्य प्रदेश के 18 जिलों पर अगले 24 घंटे भारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया भड़काऊ नारेबाजी करने वाला गौहर चिश्ती। पुलिस पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। लुलू मॉल में नमाज पर विवाद के बाद सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने का नया वीडियो वायरल। चारबाग स्टेशन पर नमाज पढ़ता दिखा नमाजी। वहीं लुलू मॉल में सुंदरकांड के पाठ की कोशिश करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश को मिलेगा 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा। जालौन में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 घंटे में हो सकेगा दिल्ली से चित्रकूट तक का सफर। दिल्ली के अलीपुर हादसा मामले में 2 लोग गिरफ्तार। कल गोदाम की दीवार गिरने से हुई थी 5 लोगों की मौत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मोहर। शाम 6 बजे शुरू होगी मीटिंग।